हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेश कुक। आज हम अपने किचन में बनाएंगे मसाला मसूर दाल, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही इजी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला मसूर दाल बनाने के लिए यहाँ पे हमने 250 ग्राम मसूर दाल ली है। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, 15 मिनट पहले इसे भिगो दिया था हमने। दो प्याज की प्यूरी ली है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, दो टमाटर का प्यूरी लिया है, एक टुकड़ा दालचीनी की लकड़ी का लिया है, दो तेज पत्ते लिए हैं, एक चम्मच जीरा लिया है, 9 से 8 काली मिर्च लेंगे, 3 लौंग लेंगे, एक बड़ी इलायची, 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर लिया है, एक पिंच हल्दी का लिया है, आधा गरम मसाला पाउडर लेंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है। यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है 2 चम्मच। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सारे खड़े मसाले डाल देते हैं। मसालों को सिजलिंग होने देंगे तेल में, इससे मसालों का फ्लेवर तेल में हो जाएगा। देखिए मसाले अच्छे से सिजलिंग कर रहे हैं। अब इसमें हम प्याज की प्यूरी डाल देते हैं और इसे अच्छे से भून लेंगे गुलाबी कलर आने तक। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देते हैं और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और सारे मसाले पाउडर भी डाल देते हैं, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब मसालों को हम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। इससे मसाले जलेंगे नहीं हमारे और मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और मसालों ने जो है वो तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और दाल को टेंडर होने देंगे गलने तक। इसे हम इसमें सीटियां लगा लेते हैं। 2 कटोरी पानी डालेंगे इसमें हम। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए 2 सीटी आ चुकी है इसमें। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और 2 सीटी और आने देंगे, फिर आप चेक कर लीजिएगा। देखिए दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी हम इतनी ही रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चलिए अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने एक भगोना लिया है और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है तड़के के लिए। देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है ऑयल। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। एक हमने प्याज लिए, उसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। इसमें थोड़ा गोल्डन कलर आने देंगे। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी थी क्योंकि प्याज एकदम काली हो जाएगी
अब हमने यहाँ पे 3 ड्राई रेड चिलीज ली है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। हमारा तड़का रेडी हो चुका है। दाल को हम तड़के में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपने घर में इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।